गोरखपुर मोदनवाल हलवाई सेवा समिति की बैठक प्रयागराज के पूर्व विधायक संजय गुप्ता की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने बताया कि मोदनवाल समाज ने वर वधु परिचय सम्मेलन किया है। दहेज पर चोट करते हुए दहेज रहित शादियों की शुरुआत इस समाज ने की है। हम लोगों का प्रयास है कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे वो स्वावलंबी बन सकें, दहेज जैसी कृतियों से वो मुक्ति पा लेंगी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में मोदनवाल समाज एकजुट हो रहा है। 27 अक्टूबर को हम लोग एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मोदनवाल समाज के सभी लोग भाग लेंगे। संकल्प रैली कर रहा हूं और आप सबको भी उस रैली में चलना है। हमारा मोदनवाल समाज भी मजबूती से उस रैली का हिस्सा बने, मैं इसका आमंत्रण भी आपको इस मंच के माध्यम से। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रयागराज के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा, देखिए आज मोदनवाल समाज ने वर वधु परिचय सम्मेलन किया है। दहेज पर चोट करते हुए दहेज रहित शादियों की एक बहुत अच्छी शुरुआत इस समाज ने किया है। चूंकि मैं भी इसी समाज का ही बेटा हूं, इस नाते से एक विशिष्ट अतिथि के रूप में मैंने भी प्रतिभाग किया है और आज मैंने समाज को यही संदेश देने का काम किया है। बेटी तो बेटी है, चाहे मोदनवाल समाज की हो या किसी भी समाज की बेटी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति माने नहीं रखता। अगर हम बेटियों को प्रमोट करें, बेटियाँ स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हों, शायद दहेज जैसी कुरीतियों से हमारी बेटियां स्वयं मुक्ति पालेंगी। वही बेटियां आगे चलकर दुर्गा बनकर दहेज रूपी महिषासुर का मर्दन भी करेंगी और इस मंच के माध्यम से आज हमारा मोदनवाल समाज एकजुट दिखाई दे रहा है। राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में जैसे हर समाज का मजबूत होना जरूरी है, उसी प्रकार हमारा मोदनवाल समाज भी आज एक राष्ट्रव्यापी सोच के साथ अपने को संगठित करते हुए अपना योगदान देने का संकल्प ले रहा है। 28 तारीख को हमारी वैश्य संकल्प रैली लखनऊ के कांशीराम उपवन में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारे वैश्य समाज के सभी उपवर्ग, कोई भी चाहे अग्रवाल हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे वो मोदनवाल हो, चाहे केशरवानी हो, जितने भी हमारे उपवर्ग हैं, सारे उपवर्ग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। 24 करोड़ में 6 करोड़ का हम लोगों का प्रतिनिधित्व है और हम लोग इस बात का संदेश देने का काम करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारे हलवाई समाज का वर वधु परिचय सम्मेलन था, जो काफ़ी दूर से, ग्रामीण क्षेत्रों से, जिले से और अदर क्षेत्र से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से भी लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में एक दूसरे लड़कों लड़कियों के परिचय सम्मेलन बना हुआ है, जो एक समाज को अच्छा संदेश जाएगा। ये क्या देना चाहेंगे आज के क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारे मोदनवाल समाज कहीं भी हो, किसी भी देश के कोने में हो, वो एकजुटता बना के रखे और अपने से बड़ों का भी आदर करें और सम्मान करें।